जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। इस पर्टिकुलर वीडियो में सर हम बात करने वाले हैं आरटीपी की रिवीजन टेस्ट पेपर की। आरटीपी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है सर आपके एग्जाम में, क्योंकि उसमें से आ सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और आरटीपी सर आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज करा देती है जो आपने सर सिलेबस पढ़ते समय अच्छे से कवर किए थे। राइट गाइज, तो पूरी वीडियो देखिएगा और सर क्या आपके डाउट्स हैं, क्या आपकी परेशानी है, कौन से कॉन्सेप्ट में सर आपको दिक्कत लग रही है इनकम टैक्स, मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका कोई दोस्त क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर भी करने की कोशिश कीजिएगा। हर वीडियो सर अपने अपने डिस्कशन फोरम है, अगर आप लोग सर पार्टिसिपेट करेंगे तो। राइट, वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं सर कम से कम नहीं तो 1200 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप ये 1200 लाइक्स का टारगेट जो अचीव करा दोगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सर मैंने तो सर ठान लिया है कि आपको तो सीए बना के ही मानूंगा किसी भी हाल में, बस आपको मेरे साथ साथ जो है मेहनत करनी है। जितनी मेहनत मैं करता हूं आपसे उससे डबल ट्रिपल 4 times 5 times मेहनत कीजिए, देखिए सर क्या रिजल्ट आने वाला है। राइट, और आपकी मेहनत देखे हो तो मैं इंस्पायर, मेरी मेहनत देख के आपको होना है इंस्पायर। राइट, अब सर आपको एक बात और बता देता हूं कि सर इनकम टैक्स के हमने रिवीजन वीडियोस डालने शुरू कर दी, उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी, उसका लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा। ऐसे सर जीएसटी की मैंने एक रिवीजन वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया, उसका भी लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा। जीएसटी की जो अमेंडमेंट्स आई हैं, इनकम टैक्स की जो अमेंडमेंट्स आई हैं सर, उसकी वीडियो में जल्दी से अपलोड कर दूंगा, वो भी आप लोग जो है आसानी से देख सकते हैं। और साथ साथ में सर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सर हमारी ऐप पे जा सकते हैं EDU91, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.edu91.org, वहां पे सर आपको सारा मटेरियल जो है मिल जाएगा। मई 2020 में सर अगर आपके जूनियर्स के एग्जाम्स हैं तो आप प्लीज उनको भी गाइड कर दीजिए कि सर हमारे इनकम टैक्स और जीएसटी की क्लासेस और ऑडिट की क्लासेस जो है मई 2020 अटेम्प्ट के लिए, एग्जाम्स के लिए आ चुकी हैं हमारी ऐप EDU91 पे और हमारी वेबसाइट www.edu91.org पे। राइट, चलिए सर बस अब कुछ नहीं, सर अब जल्दी से अपनी इस आरटीपी की वीडियो को शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सर आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। इस वीडियो में जिसने एडजस्ट किया उसका नाम है मिष्टी। मिष्टी जल्दी से आ जाओ यहां पे जल्दी से। तो मिष्टी क्या छुट्टी थी, मिष्टी बोला पापा मैं आपके साथ वीडियो शूट करना चाहती हूं, एंड हियर इज शी। अब आप लोग जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मिष्टी सबको ऑल द बेस्ट बोल दो, ऑल द बेस्ट एग्जाम में पास हो जाना। ये चलो बाय 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 बाय, टेक केयर, स्टार्ट करो वीडियो। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है लेकिन सर इसे करने में बहुत मजा आने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ जो है जुड़े रहेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। आइए पहले एक रीडिंग देते हैं क्वेश्चन की। मिस्टर सुनील पटनी एज्ड 45 इयर्स, ओके, फर्निश द फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 1920। इनकम फ्रॉम सैलरीज बता रखिए जो कि कंप्यूटेड है, याद रखिए कंप्यूटेड का मतलब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्सेट्रा नहीं देनी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बता रखी है, अगेन जो कंप्यूटेड है और इसका मतलब डिडक्शन वगैरह इसमें मिल चुकी है। और इनकम फ्रॉम FDRs यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स की एक इनकम दिखा रखी है 7,34,000 रुपये की, ओके। ही हैज नॉट क्लेम एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सुनील पटनी एज पर दी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन आई एम टेलिंग यू गाइज ये इतना ईजी जो है इतना आसानी से क्वेश्चन होने नहीं वाला है। राइट, तो आप लोगों को मेरे साथ साथ मिलकर जो है अच्छे से काम करते चलना है। आइए जल्दी से चलते हैं यहाँ पे और पूरी फॉर्मेलिटी के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे जो है अपना फॉर्मेट बनाना है। राइट, तो सबसे पहले आप लिखिए कंप्यूटेशन, जो भी आपसे क्वेश्चन डिमांड किया है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सुनील पटनी। जो भी क्वेश्चन मांगेगा हमेशा सबसे ऊपर जो है यही वही आएगा। राइट, फॉर असेसमेंट ईयर 1920, हाँ जी, फॉर असेसमेंट ईयर 1920, वो चेक कर लेते हैं असेसमेंट ईयर यही था, हाँ जी असेसमेंट ईयर 1920। चलिए सर आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए मैंने पर्टिकुलर अमाउंट लिखा हुआ है तो मैं तो ऑब्वियसली दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, बस फिर भी मैंने आपके लिए उसको हाईलाइट कर दिया कि भाई आपने ये चीज़ें जो हैं लिखनी हैं, मिस नहीं करनी है, ओके। सबसे पहले इनकम अंडर हेड सैलरी कंप्यूट करके दे रखिए, और जीवन में इससे अच्छा क्या हो सकता है, इनकम फ्रॉम सैलरीज और इनकम अंडर हेड सैलरी एक ही बात है। राइट, कितनी कंप्यूट करके दे रखी थी हमें, 26,56,000, 26,56,000, सीधा आउटर कॉलम में ले जाता हूँ, मुझे इससे कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही है। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 16,90,000, ये भी कंप्यूट करके दे रखी है तो एज सच कोई डरने की बात ही नहीं है, 16,90,000। और हमारे पास एक और इनकम है, वो कौन सी है, FDR यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जिसे FDR समझ नहीं आ रहा
वो होती है सर इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स। हाँ जी, इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स। FDR फिक्स डिपॉजिट्स। ओके, ये बार बार क्यों खुल जाते, बंद कर दो। ओके, 7,34,000 रुपीज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 7,34,000 लीजिए। कोई डिडक्शन की बात सर इस क्वेश्चन में मुझे नज़र नहीं आई, एज सच कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा जो है वो नज़र नहीं आया, और यही इनकम जो है मेरी सीधा क्या बन जाएगी, टोटल इनकम। क्यों भाई? क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, सीधा सीधा यही वाली जो इनकम है मेरी बन जाएगी टोटल इनकम। आइए सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल इनकम कितनी आ गई जी? टोटल इनकम इनकी 2,656,000 प्लस 16,90,000 प्लस 7,34,000, और वो आ रही है 50,80,000। मैंने कहा था ना क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आएगा, जैसे ही 50,80,000 आया आप समझ लीजिए कि सर इसके अंदर जो है मार्जिनल रिलीफ भी जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है। हाँ जी, क्या इन्वॉल्व हो चुका है? मार्जिनल रिलीफ भी जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है। चलिए अब सबसे पहले हम इस पर काम करना शुरू करते हैं जल्दी से, और यहाँ मैं लिखता हूँ जी टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट 1। ओके, तो मैं यहाँ पे आके एक वर्किंग नोट बनाता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो चुके हैं तो आप सीधा ये लिख सकते हैं ऑन फर्स्ट 10 लाख 1,12,500, देन ऑन रिमेनिंग मैं कैसे लिख रहा हूँ देखिए, 50,80,000 माइनस 10 लाख, ये जो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास यानी 40,80,000 पे, इस पर होगा 30%। हाँ जी, इस पर कितना टैक्स होने वाला है? 30% ऑन रिमेनिंग दिस, ये लिख देता हूँ 30%। राइट, अब इसका 30% आ गया मेरे पास कितना, 12,24,000। ओके लीजिए सर, इसका हमने यहाँ पे टोटल कर दिया क्योंकि और तो इनकम बची नहीं है, 13,36,500। ओके, ये मेरा टैक्स जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ले जाके, 13,36,500। ओके, एड सरचार्ज, क्योंकि इनकम 50,00,000 से ऊपर जा रही है तो सरचार्ज लगेगा कितने परसेंट का, 10% का, एट द रेट ऑफ 10%। कितना हो गया जी सरचार्ज? 1,33,650। राइट, इसका टोटल करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,33,650 प्लस 1,33,650 इज इक्वल टू 1,470,150। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ जो है वो कंप्यूट करना चाहूँगा, मार्जिनल रिलीफ। ओके, मार्जिन रिलीफ, इसके लिए मैं यूज करूंगा वर्किंग नोट नंबर 2। ओके, और वर्किंग नोट नंबर 2 में मैं क्या लिखूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। ओके, अच्छा जी, टैक्स लाइबिलिटी ऑन 50,80,000, टैक्स लाइबिलिटी ऑन 50,80,000 मेरे पास कितनी बनी है, 1,470,150 1,470,150। ओके, देन टैक्स लाइबिलिटी इफ इनकम वॉज रिस्ट्रिक्टेड 250,00,000, अगर 50,00,000 तक की इनकम रहती तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती, तो टैक्स लाइबिलिटी बनती 1,12,500 प्लस 40,00,000 पे 30%। मुझे पता है आपको आता है भाई कैलकुलेट करना, मैं थोड़ा स्लो हूँ, 12,00,000। उस केस में मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनती 13,12,500। नाउ आई कैन से हम क्या निकाल पाए, इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी। हाँ जी, इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, और इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई है मेरे पास, 1,470,150
माइनस 13,12,500, वो आ गई है सर हमारे पास इनक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी 157,650। ये जो है मेरी टैक्स लाइबिलिटी के अंदर जो है इंक्रीमेंट आया है। हाँ जी, किसके अंदर इंक्रीमेंट आया है? मेरी टैक्स लाइबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट आया है कि 80,000 रुपये की इनकम बढ़ने की वजह से मेरी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कितनी बढ़ गई मेरे साथ। 80,000 रुपये की इनकम बढ़ने की वजह से मेरी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कितनी बढ़ गई, ये वो है। आइए अब चलते हैं इंक्रीज इन इनकम कितना है। इंक्रीज इन इनकम है सिर्फ और सिर्फ 80,000। 50 लाख से कंपेयर करो ना, इंक्रीज इन इनकम अबव 50 लाख, वो तो सर जी सिर्फ कितना आया है 80,000। अच्छा जी, चलिए अब पहले तो बताइए, आपको मैं समझा देता हूँ क्या आप मार्जिन रिलीफ के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल एलिजिबल है, जब आपका इंक्रीज इन टैक्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, और थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 50 लाख है, जब आपका इंक्रीज इन टैक्स इज अबव द इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन टैक्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम, तो आपको क्या मिलता है? मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट क्या हो गया हमारे लिए? मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 157,650 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 77,650, राइट। ओके, तो इस मार्जिनल रिलीफ को ले जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 77,650। लीजिए, अब आपके पास 147,050 माइनस 77,650 एंड द आंसर विल बी 139,250, 139,250, राइट। एंड देन हमारे पास पता है सर हमारे पास क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। हाँ जी, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट गाइस? कम ऑन, टेल मी, जल्दी से बताओ। एट द रेट ऑफ 4%, आओ जिसको भी कंप्यूट कर लेते हैं, 139,250 इंटू 4% इज इक्वल टू 55,700। हाँ जी, 55,700, 55,700, बिल्कुल ठीक है जी। अब इनको मैं प्लस कर देता हूँ, मेरी सर क्या निकल के आ जाएगी? टैक्स लाइबिलिटी मांगी थी, मैं एग्जैक्टली वही वर्ड जो है यहाँ पे यूज़ करूँगा, टैक्स लाइबिलिटी। तो 139,250 प्लस 55,700 एंड दैट इज इक्वल टू 144,820, दिस इज माई टैक्स लाइबिलिटी। राउंडेड ऑफ ही है, नहीं तो मुझे सर इसको राउंड ऑफ करके भी जो है वो दिखाना पड़ता। इस तरह से करते हैं सर आप एक कंप्लीट क्वेश्चन, और आप ध्यान से देखिए, मुझे 11 मिनट लग गए सर ये क्वेश्चन आपको कराने में, 11 मिनट्स, राइट। सो अगर आप लोग सोच रहे हैं ना सर, अगर मैं, आप सच्ची सच्ची मुझे बताइएगा, मुझे पता है वैसे तो यहाँ तक बच्चे बहुत ही कम पहुँचे होंगे, जो पहुँच गए हैं उनसे मेरी एक उम्मीद है कि वो बताएं कि क्या आपको ये निकालना आता था मार्जिन रिलीफ, क्या आपको मार्जिन रिलीफ निकालना आता था, और अगर ये क्वेश्चन 1 करोड़ से ऊपर का होता तो मार्जिन रिलीफ कैसे निकालते, ये आपको पता है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, ना तो सर जी इट्स टाइम टू वर्क हार्ड, इट्स टाइम टू वर्क रियली हार्ड। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1 है मिस्टर सुनील पटनी वाला, वो सर हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। एंड मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको प्रेजेंटेशन में भी सारी चीज़ें जो है दिखाऊं, वर्किंग नोट मैंने कैसे बनाए हैं, प्रेजेंटेशन मैंने कैसे करी, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको दिखाना चाहता था, राइट गाइज। अब सर हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, आइए सेकेंड क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और फिर से बोल दूं कि काफ़ी आसान है, कोई एज सच आपको जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए सेकेंड क्वेश्चन के अंदर। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि सर मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कराने लायक है, बट फिर भी आपकी मन की जो शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए इसको डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। मिस्टर राजेश शर्मा, एज 62 ईयर्स हैं, अभी रुक जाइए, इंडियन सिटीजन, ट्रैवल फ्रिक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया फॉर हिज बिजनेस ट्रिप एज वेल एज फॉर हिज आउटिंग्स, ठीक है जी, इंडिया से बाहर जाते हैं। ही लेफ्ट दिल्ली एयरपोर्ट ऑन 29 May 2018 एज स्टैम्प्ड इन द पासपोर्ट एंड रिटर्न ऑन 27 April 2019। तो 29 मई 2018 को ये गए, और उसके बाद 18-19 में ये भाई साहब इंडिया में आए ही नहीं, 19-20 में आए हैं। ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर लेस देन 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीजिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर,
ये स्टेटमेंट ने हमारा काम गाइस कितना आसान कर दिया, वो खुद ही बोल के बता रहे हैं कि सर वो इंडिया में जो थे ना वो 365 डेज से कम थे इन 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. आपको निकालना है सर इसका क्या रेजिडेंशियल स्टेटस, वन. टू आपको निकालनी है क्या टोटल इनकम, कब के लिए, फॉर द असेसमेंट ईयर 1920. हाँ जी, फॉर द असेसमेंट ईयर व्हाट 1920 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है आपको सेल ऑफ शेयर्स ऑफ टिल्ट इंडिया लिमिटेड पे. ओके, अ लिस्टेड इंडियन कंपनी अमाउंटिंग टू 58,000. द सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिट टू हिज बैंक अकाउंट इन सिंगापुर. सर ये तो टैक्सेबल होगा ही, सेक्शन 5 का आप हवाला दे सकते हैं और साथ साथ सेक्शन 9 का आप रेफरेंस दे सकते हैं. ओके, देन उसके बाद, अच्छा आई होप आपको पता है क्यों टैक्सेबल होगा भाई. एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, राइट, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इन इंडिया, सेक्शन 9 सेक्शन 5. इनकम डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया. देन सेकेंड पॉइंट, डिविडेंड अमाउंटिंग रुपीज 48,000 फ्रॉम ट्रीट लिमिटेड अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी विच हैज बीन ट्रांसफर्ड इन बैंक अकाउंट इन सिंगापुर. सिंगापुर की कंपनी है सर, उसको डिविडेंड दे रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर. मेरे हिसाब से सर ये टैक्सेबल जो है नहीं होना चाहिए. ओके, देखते हैं. अच्छा इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि भाई ये नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है. तो ये तो पक्का यहाँ पे टैक्सेबल था ही, ये वाला हम अभी छोड़ देते हैं, पहले पता लगाएंगे रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है. देन थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली अमाउंटिंग टू 9500 वॉज क्रेडिटेड टू हिज सेविंग्स बैंक अकाउंट. सो यस, ये भी टैक्सेबल होना चाहिए. अगर ये सीनियर सिटीजन है तो इसके लिए सर एक नया सेक्शन आया है 80TTB. मैंने सीनियर सिटीजन की चर्चा क्यों करी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ लिखा है कि सर इनकी एज जो है 62 ईयर्स है, लेकिन मैंने आपको रोका कि अभी कोई कंक्लूजन मत निकालिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए अब ये इस क्वेश्चन का मेक और ब्रेक पॉइंट आ रहा है. सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा सीनियर सिटीजन कौन होते हैं. सीनियर सिटीजन, कमऑन यार बोलो ना, मन से आवाज़ निकालो. चलो मैं बताता हूँ, सीनियर सिटीजन होते हैं इंडिविजुअल प्लस रेजिडेंट प्लस 60 ईयर्स और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अप टू और लेस देन आई शुड से 80 ईयर्स, क्योंकि जैसे ही 80 ईयर्स और मोर होते हैं वो बन जाते हैं सुपर सीनियर सिटीजन. आप मुझे बताइए इन तीनों कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको कौन सी लगी, इंडिविजुअल प्लस रेजिडेंट प्लस 60 ईयर्स और मोर. मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस समय वो है पता है क्या, रेजिडेंट. ओके, तो ऑल दो इनकी एज से बता रखी है 62 ईयर्स, लेकिन ये सीनियर सिटीजन है या नहीं है इस बात पे डिपेंड करता है कि रेजिडेंट हैं या नहीं है. ओके, और इवन इसकी भी डिडक्शन 80TTB की डिडक्शन भी इस बात पे डिपेंड करती है. क्यों भाई, अगर नॉन रेजिडेंट तो 80TTB नहीं मिलने वाला है इनको. इवन ये अमाउंट टैक्सेबल होगा या नहीं होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट. अगर मैं डिसाइड कर देता हूँ अभी के लिए, अगर नॉन रेजिडेंट है तो सर ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं होने वाला है, राइट. और ये अमाउंट तो सर हर केस में टैक्सेबल होगा ही होगा, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. मामा मिया, चलो जी. अच्छा अब सुनिए मेरी बात को, अब सबसे पहले इनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लेते हैं. 29 मई 2018 को ये भाई चले गए थे. ओके, 29 मई 2018 को ये चले गए थे, 29 मई 2018 तक हम मान के चलेंगे इंडिया में थे. सो अप्रैल के 30 दिन और मई के 29 दिन टोटल मिला के हो गए 59 डेज इन इंडिया. आइए ज़रा चेक कर लेते हैं क्या इन्होंने कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करी है. आंसर इज नो. एक तो करते तो हम रेजिडेंट मानते, इन्होंने तो एक भी नहीं करी, और एक भी नहीं करी तो मिस्टर राजेश शर्मा बन चुके हैं कौन, नॉन रेजिडेंट. मेरे साथ रिपीट कीजिए, नॉन रेजिडेंट. और नॉन रेजिडेंट जैसे ये बने, सर जी बेबी बेबी बेबी, अब इनका बहुत कुछ इम्पैक्ट आने वाला है इस बात का. नंबर वन, ये तो टैक्सेबल रहेगा ही. नंबर टू, ये टैक्सेबल नहीं होगा. एंड नंबर थ्री, ये टैक्सेबल हो जाएगा. सो 9500 प्लस 58,000 ये इनका आंसर होने वाला है. 9500 प्लस 58,000 दिस इज गोइंग टू बी दी टोटल इनकम. 67,500 कम ऑन गाइस, 67,500 ये हो गया आंसर. ओके, सो 67,500 क्या होगा इनका, क्या पूछा था इनसे, हमसे क्या पूछा था, कंप्यूट दी, हाँ टोटल इनकम की होगी 67,500. रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा था, वो हो गया सर इनका नॉन रेजिडेंट. आइए एक बार ICI के आंसर पे चलते हैं और मैच करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है. लीजिए क्वेश्चन नंबर टू,
पहले इन्होंने क्या किया बताया जी, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनता है, जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। ओके, फिर उन्होंने बताया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टर राजेश शर्मा एक इंडियन सिटीजन तो है, बट उन्होंने जो है कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है रेजिडेंट बनने की, एंड हेंस सिंस, देखिए ये भी हमारा मैच कर गया, सिंस ही वॉज इन इंडिया ओनली फॉर 59 डेज, हमने भी तो 59 निकाला था, राइट, एंड देयर फॉर ही इज अ नॉन रेजिडेंट। आंसर लिखने का तरीका प्लीज गौर फरमाइए, ये जो है ना, ये दिस इज द डिस्कशन ऑफ लॉ, ये जो है ना, ये दिस पार्ट, कम ऑन, दिस पार्ट, दिस इज द रिलेशन ऑफ द केस विद द लॉ, फैक्ट्स ऑफ द केसेस लिखे, फिर लॉ से उसको मिलाया, और कंक्लूजन भी इसी पार्ट में दे दिया हमने। ओके, नाउ ये देखिए, इनकम ईयरली टैक्सेबल होगी, ये टैक्सेबल नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट टैक्सेबल होगा, बिल्कुल 67,500 का क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, इसको एक बार आप लिख के देखेंगे, और इसकी तो आप एक बार बस जल्दी से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सब बढ़िया सवाल था, आपको कहीं कहीं पे ICAI ने छेड़ा इसके ऊपर, मैं बोलूँगा कि ICAI के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता जा रहा है धीरे धीरे। ओके गाइज, चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, और बस सर ऐसे ही RTP के क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर हम लोग, और इसके बाद सर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। Examine with brief reasons whether the following are chargeable to income tax and the amount liable to tax with reference to the provision of Income Tax Act 1961. तो आपको बताना है कि भाई क्या इन पे टैक्स लगेगा, और बस आपको बता देना है कि भाई कितना टैक्स लगेगा। ओके, चलिए सर चल देते हैं, सॉरी, इन पे क्या, इनमें से किसी पे टैक्स लगेगा और किस अमाउंट पे जो है टैक्स लगेगा, टैक्स का अमाउंट नहीं बताना है, किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा वो बताना है। आइए देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला सवाल है, अलाउंस ऑफ 18,000 पर मंथ, ओके, रिसीव बाय एन एम्प्लॉय मिस्टर उत्तम प्रकाश वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्रांटेड टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर वाइल ऑन द ड्यूटी। तो ये सनी डे ऑल अलाउंस, आई होप आपको याद आ रहा है, अगर आपने मेरे से क्लासेस वगैरह पढ़ी तो सनी डे ऑल अलाउंस मैं आपको बताता हूँ कि सनी डे ऑल अलाउंस है भाई ये, वो मैं निकला वो गड्डी लेके, भाई गड्डी लेके निकले तो भाई उसमें तो आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी अपनी डेली नीड्स को मेंटेन करने के लिए, और आपको डेली अलाउंस मिल नहीं रहा है, तो आपको मिलता है अलाउंस फॉर द एम्प्लॉयज वर्किंग इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो है 18,000 पर मंथ। चलिए पहले इसको ही सॉल्व कर देते हैं, आइए ज़रा। सो मैं इसको फॉर्मेट के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहे तो सर सिंपली इसका आंसर लिख के आ सकते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा। अलाउंस रिसीव्ड, अलाउंस रिसीव कितना है जी, 18,000 इंटू 12, 216,000, राइट, एग्जेम्पशन या एग्जेम्प्ट 70%, इसका रूल ये बोलता था 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, और ₹10,000 per month which ever is less, whichever is less, okay, 216,000 का 70% हो गया 151,200, सो 151,200, और 10,000 पर मंथ के हिसाब से बन गया 120,000, विच एवर इज लेस, सो एग्जेम्पशन अमाउंट विल बी 120,000, और आपका जो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा वो इसके बाद आ जाएगा 120,000, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड देन इसके बाद 96,000 इज द टैक्सेबल अमाउंट, कम ऑन, 96,000 इज द टैक्सेबल अमाउंट। ये तो इस सवाल का पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए अब चलते सर हम लोग अपने सेकेंड पार्ट पे, और सेकेंड पार्ट क्या है जल्दी से देख लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819, प्रीवियस ईयर 18-19 में मिसेस आध्या अ रेजिडेंट इन इंडिया रिसीव्ड अ सम ऑफ 9,63,000। ओके, आध्या जी हैं, रेजिडेंट हैं इंडिया में, और उनको सम मिला है 9,63,000 का एज डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, अच्छी बात है जी, एंड 4,34,000 एज डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। देखिए 1034 डिविडेंड का जो सेक्शन है वो बोलता है कि सर डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगेगा,
अदर देन डिविडेंड मेंशन अंडर 115 BBDA, राइट। और 115 BBDA बोलता है कि सर बहुत सारी कंडीशन लगाता है कि रेजिडेंट स्पेसिफाइड SSC है और 10 लाख से ऊपर का अमाउंट जा रहा है तो सर उस पर जो है टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। ओके, 1035 भी एक सेक्शन है, बाई चांस आपने अगर नहीं पढ़ा तो अभी सुन लीजिए। 1035 भी एक सेक्शन है जो सर आपका यूनिट जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, दे आर मेंशन इन सेक्शन 10 क्लॉज 23D। जो 10 क्लॉज 23D में म्यूचुअल फंड्स मेंशन है उन्हें इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहा गया, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे जो डिविडेंड मिलता है उसको भी जो है यहाँ पे एग्जेम्पशन दी गई है एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 35, राइट। और उस पर BBDA जितनी भाई मेरी नॉलेज बोलती है एप्लीकेबल नहीं है। आपको क्या लगता है आप भी नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा। सो कुल मिला के सर ये जो मुझे लग रहा है दोनों अमाउंट 9,63,000 एज वेल एज 4,34,000 दोनों ही अमाउंट जो है वो क्या होंगे एग्जेम्प्ट माने जाएंगे। कम ऑन, दोनों अमाउंट क्या माने जाएंगे एग्जेम्प्ट माने जाएंगे, राइट। सो ये दोनों अमाउंट आपके एग्जेम्प्ट होने वाले हैं, 4,34,000 एंड 9,63,000, और आपका यहाँ पे जो अलाउंस मैंने बताया वो 96,000 का टैक्सेबल होने वाला है। इसका रीज़न आप लोग याद रखेगा, 1034 में आपका ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा 9,63,000 वाला, और आपका 1035 में जो म्यूचुअल फंड से आपको डिविडेंड मिले हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से वो भी क्या हो जाएंगे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लीजिए सर तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने जो है यहाँ पे कर लिया है, एंड आई होप आप इस RTP की सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अब कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन बैक साइड से उठाना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सर मैं इस समय करने जा रहा हूँ आपकी RTP का, और देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। एग्जामिन विद रेफरेंस टू रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 वेदर द फॉलोइंग लॉसेज और डिडक्शन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड और क्लेम्ड बाय मिस्टर शर्मा। तो आपको बताना है कि सर ये जो लॉसेज हैं और जो डिडक्शन है क्या उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है या नहीं। दीज लॉसेज एंड डिडक्शन आर इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19, ठीक है जी। आपको बताना है 18-19 के लिए सर ये लॉसेज और डिडक्शन आपको बताना है कि कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। नंबर वन, लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरीड ऑन बाय हिम एज अ प्रोप्राइटर 9,80,000 कंप्यूट करके बता रखा है। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 3,25,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 50,000, सब कुछ कंप्यूटेड है। अब आ गया कहानी में ट्विस्ट, द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ मिस्टर शर्मा वॉज 31 जुलाई 2019 अंडर सेक्शन 139(1), हावर ही फाइल्ड द रिटर्न ऑन 25/9/2019, यानी उनकी जो रिटर्न है वो बिलेटेड रिटर्न है मेरे साथ, उनकी जो रिटर्न है वो क्या है बिलेटेड रिटर्न है। अब आप समझ गए होंगे अगर आपने रिटर्न जो है टाइम पे फाइल नहीं करी सो आप अपने कुछ लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये बात हाउस प्रॉपर्टी के लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। आई होप गाइज आपको ये बात जो है समझ आई। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो 9,80,000 रुपये का जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, 3,25,000 और 50,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे, राइट। इसमें अगर आप सेक्शन का रेफरेंस देना चाहते हैं तो सेक्शन 80 रेड विथ सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 जो है वो आपको बोलता है कि भाई आपने जो है ना अगर लॉसेस जो हैं आपने एज पर दी आपने रिटर्न ऑफ लॉसेस उस प्रॉपर फाइल नहीं करी, यानी रिटर्न ऑफ लॉसेस जो है वो विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) फाइल नहीं करी है, तो सर आपके कुछ स्पेसिफाइड लॉसेस है जिसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और हमारे पास जो लॉसेज गिवन है उसमें 9,80,000 जो है वो स्पेसिफाइड लॉस है। ओके, ठीक है गाइज, ये तो बहुत आसान था, थ्योरी का क्वेश्चन था, एक बार इसका आंसर जो है जल्दी से जाके अपन लोग जो है चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लीजिए, थ्योरी वाले आंसर्स को एक तो आप कमज़ोर मत समझिए, आप लोग समझ लेते हैं कि चल यार ये तो मैं कर लूँगा, इन आंसर्स को रीड करिए। रीड करने का फ़ायदा, पहला फायदा आपको स्ट्रक्चर जो है वो पता चलेगा कि आई से स्ट्रक्चर क्या चाहता है, दूसरा फायदा आपको पता चलेगा सेक्शंस कैसे कोट करने होते हैं, तीसरा फायदा सर आपको एक अगेन स्ट्रक्चर ही है मॉडल मिल गया आप आगे एग्जाम में इसको कैसे लिख के आएंगे, और चौथा फायदा आपके लिखने की प्रैक्टिस भी हो सकती है अगर आप इसको लिख कर देखें, और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा आपके नंबर आ सकते हैं। आइए जरा देखते हैं। सो मिस्टर शर्मा हैज फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 ऑन दिस, दैट इज आफ्टर 31 जुलाई दिस, एंड देयरफॉर इट इज आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन 139 दिस 139 सबसेक्शन 1, एंड देयरफॉर दिस रिटर्न इज अ बिलेटेड रिटर्न। ओके, फिर आगे बोल दीजिए सेक्शन 80 अगर हम 139(3) के साथ पढ़ें तो स्पेसिफाइड लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जो आपने डिटरमाइन नहीं करें इन अकॉर्डिंग विद द रिटर्न ऑफ लॉस टू बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर 139 सबसेक्शन 1, दैट इज 31 जुलाई 31 अक्टूबर 31 जुलाई 30 सितंबर और 30 नवंबर। ओके,
लीजिए सर, अकॉर्डिंगली बिजनेस लॉस ऑफ 9,80,000 ऑफ मिस्टर शर्मा फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 नॉट डिटरमाइन इन प्रेजेंस ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस फाइल्ड विद इन द टाइम अंडर 131 कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अंडर असेसमेंट ईयर 2021, तो उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन 50,000 का जो लॉस है और जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है सर, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, चाहे सर रिटर्न आपने लेट भी क्यों ना फाइल करी हो। ओके लीजिए सर, तो हमने आज शुरू के 3 क्वेश्चन उठा लिए और लास्ट का 1 क्वेश्चन उठा लिया। अब ऐसे ही सर और पार्ट्स में मैं आपकी आरटीपी जो है कंप्लीट करा दूंगा, जो भी शुरू कर रहा हूँ पक्का कंप्लीट कराऊंगा। आपके पास इनकम टैक्स की रिवीजन वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है वो देखिए, जीएसटी की अमेंडमेंट्स की एक प्लेलिस्ट है वो देखिए, जीएसटी की रिवीजन वीडियो की एक प्लेलिस्ट है वो देखिए, और अब इनकम टैक्स आरटीपी की भी एक प्लेलिस्ट आ जाएगी वो देखिए। तो ये 4-5 प्लेलिस्ट जो है देखते जाइए, सीखते जाइए, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, राइट। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद, और हाँ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय, मिष्टी से मिलना है, हाँ मिलना है, वो रे ये रे, ओके बाय, टेक केयर, ओके चलो बहुत हो गया, पढ़ लो, पेपर आ रहे हैं।